से मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आयोवा में ट्रंप की जीत पर ट्रूडो का रद्द अमल। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि अमेरिका को उम्मीद परस्ती पसपाई के दरमियान इंतखाब का सामना है। अमेरिका में ट्रंप की हुकूमत कैनेडा के लिए आसान ना होगी। कनाडा का यमनी हौसियों को दहशतगर्दों की लिस्ट में डालने पर गौर। कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसियां सूरत हाल पर गौर कर रही हैं। हौसियों को फैसले के संगीन मुजरिमाना और माली नतीजे का सामना करना पड़ सकता है। इजरायली कैदियों को अद्वियात की फराहमी की दरख्वास्त पर हमास का बड़ा मुतालबा। हमास का कहना है कि रेड क्रॉस ने इजरायली जंगी कैदियों को दवा फराहमी की दरख्वास्त की थी। अरब और मुसलमान ममालिक पर गजा मुहासरे को तोड़ने की दरख्वास्त। अमेरिका में खून जमा देने वाली सर्दी, हलाकतें 40 हो गईं। सबसे ज़्यादा हलाकतें रियासत टेनेसी में हुई, जहां 14 अफराद हलाक हो गए। न्यूयॉर्क के जुनूब में 30 इंच से ज़्यादा बर्फबारी। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करते हैं खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, PNP एंड PR वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto immigration. Canadian Vazir Azam Justin Trudeau ne kaha ki Riyasat-e-Hai Mutahida mein rai dehendigan ko mumkina taur par November ke sadarti intikhabat mein mustaqbil ke liye pur umeed ya maazi ki purani yaadon ke darmiyan intikhab ka samna karna padega. Mazeed janenge is report mein. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि रियासत हाई मुतहदा में राय दहिंदगान को मुमकिन तौर पर नवंबर के सदारती इंतखाबात में मुस्तकबिल के लिए पुरुमी या माजी की पुरानी यादों के दरमियान इंतखाब का सामना करना पड़ेगा। ट्रूडो ने मॉन्ट्रियल के कारोबारी सामीन को बताया, विभाग की हुकूमत इस इम्कान के लिए तैयार है कि डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी सदारत आसान नहीं होगी। ट्रूडो ने यह तबसरे एक दिन बाद किए जब ट्रंप ने तकरीबन 51% वोटों के साथ आयवा रिपब्लिकन कॉक्सिस में कामयाबी हासिल की, जिसके नतीजे में साबिक सदर को मुल्क के नवंबर के इंतखाबात से कबल रिपब्लिकन नामजदगी के लिए इब्तदाई बर्तरी हासिल हुई। बहुत सारे मामलात हैं जिन पर ट्रूडो ने कहा कि वो एक मुद्दत के साबिक अमरीकी सदर से मुत्तफिक नहीं है जो 2016 में मुंतखब हुए थे और 4 साल बाद जो बाइडन के हाथों शिकस्त खा गए थे। लेकिन वजीर आजम ने कहा कि वो ट्रंप के मैंडेट के जरिए कैनेडा के मफादात का कामयाबी से दिफा करने में कामयाब रहे, जिसमें रियासतें हाई मुतहदा अमरीका, मैक्सिको, कैनेडा माहदे के मुजाकरात और अमरीका को कैनेडा की एलुमिनियम की बरामदात पर तनाज़ा भी शामिल है। ट्रूडो ने कहा कि ये पहली बार आसान नहीं था और अगर दूसरी बार हुआ तो ये भी आसान नहीं होगा, लेकिन वजीर आजम ने कहा कि अमरीका के साथ काम करना हमेशा चैलेंजों के साथ आता है। ट्रूडो ने कहा कि किसी भी अमरीकी सदर के साथ काम करना हमेशा एक बड़ा चैलेंज होता है, यहाँ तक कि उनके साथ ब्राक और वो जिनके साथ मेरी बहुत सी मुश्तरकात हैं। कनाडा बहीरा अहमर में मिज़ाइल हमलों के बाद हौसियों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने पर गौर कर रहा है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा बहीरा अहमर में मिज़ाइल हमलों के बाद हौसियों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने पर गौर कर रहा है। अमेरिका ने पहले ही कार्रवाई की है, जबकि कनाडा यमन में मुकीम ग्रुप के बारे में अपने जायजे की पैरवी कर रहा है। कनाडा फिलहाल इस बात का जायजा ले रहा है कि आया बहीरा अहमर में तजारती जहाज रानी पर ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप के हमलों के जवाब में शिया इस्लामी हौसी तहरीक को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया जाना चाहिए। एक मीडिया बयान में पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डोमैन क्ली ब्लैंक के तर्जुमान ने कहा कि मुल्क की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां इस बात पर गौर कर रही हैं कि आया हौसी जो बुनियादी तौर पर यमन में काम करते हैं दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने के
वाज़े मयार पर पूरा उतरते हैं। कनाडा को हालिया महीनों में इस फहरिस्त में एक और ग्रुप को शामिल करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ा है, इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर, जिसने जनवरी 2020 में तेहरान से टेक ऑफ करने के फौरन बाद यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज 752 को मार गिराया था। हौसियों को दहशतगर्द करार देने के फैसले के संगीन मुजरिमाना और माली नतायज का सामना करना पड़ सकता है। कैनेडियन बैंक किसी नामजद दहशतगर्द ग्रुप के असासे मुंजमद कर सकते हैं और पुलिस ऐसे किसी भी फर्द पर फर्द जुर्म आयद कर सकती है जो ऐसे ग्रुप की माली या मादी तौर पर हिमायत करता है। इसराइल हमास जंग के आगाज के बाद से हौसियों ने बहीरा अहमर से गुजरने वाले तजारती टैंकर्स पर दर्जनों में जायल दागे हैं, जो दुनिया की मसरूफ तरीन शिपिंग लेन में से एक है। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका और बरतानिया ने कनाडा की हिमायत के साथ हौसी अहदाफ पर फिजाई हमलों की एक लहर शुरू की, जब ग्रुप के रहनुमाओं ने अपने हमलों को रोकने के अल्टीमेटम को नज़रअंदाज किया। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हौसियों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में वापस डालने के अमरीकी फैसले के इस ग्रुप और यमन के लिए माली असरात मुरतब होंगे। हमास के मरकजी रहनुमा और मुज़ाकरात कार मूसा अबू मरजोक का कहना है कि रेड क्रॉस ने हमास के पास इजरायली जंगी कैदियों को दवा फराहमी की दरख्वास्त की थी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। हमास के मरकजी रहनुमा और मुज़ाकरात कार मूसा अबू मरजोक का कहना है कि रेड क्रॉस ने हमले के पास इजरायली जंगी कैदियों को दवा फराहमी की दरख्वास्त की थी। मूसा अबू मरजोक ने अपने एक बयान में कहा कि हमास के कैद में मौजूद इजरायली कैदियों के लिए 140 किस्म की अद्वियात दी गई। उन्होंने कहा कि अद्वियात की फराहमी के लिए हमने मुतादिद शराइत रखी। इजरायली कैदियों के लिए दवाई के हर डब्बे के बदले हमारे लोगों के लिए दवाइयों के 1000 डब्बे देने होंगे। मूसा अबू मरजोक का कहना था कि जिस मुल्क पर हम भरोसा करते हैं सिर्फ उसके जरिए दवा फराहम करना होगी। दूसरी जानिब हमास के अहदेदार ने अरब और मुसलमान ममालिक पर गजा मुहासरे को तोड़ने की दरख्वास्त की है। उसामा हमदान ने गजा के लोगों की मदद करने के लिए इसराइल और बाइडन इंतजामिया पर फौरी और संजीदा दबाव का मुतालबा किया है। अमरीका में एक हफ्ते से सर्दी ने 9 रियासतों में डेरे डाल रखे हैं, जिसके दौरान होने वाली हलाकतों की तादाद 40 तक जा पहुंची। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीका में एक हफ्ते से सर्दी ने 9 रियासतों में डेरे डाल रखे हैं, जिसके दौरान होने वाली हलाकतों की तादाद 40 तक जा पहुंची। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक अमरीका की 9 रियासतों आर्कनसास, एलनवाई, कंसास, मिसिसिपी, न्यूयॉर्क, ओरेगन, पेंसिल्वानिया, टेनेसी और विस्कॉन्सन में बर्फानी तूफान, बर्फबारी और सख्त सर्दी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। सबसे ज़्यादा हलाकतें रियासत टेनेसी में हुई, जहां 14 अफराद हलाक हो गए। सड़कों पर कई फिट बर्फ़ जम गई और ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। फिसलन के बायस गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इसी तरह रियासत पेंसिल्वानिया में भी मुसाफिर बरदार मिनी वैन बर्फ़ से ढकी सड़क पर कंट्रोल खो बैठी और ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। रियासत ओरेगन में मुंजमद करने वाली बर्फबारी और यखबस्ता हवाओं ने 85,000 अफराद को घरों में कैद कर दिया, जबकि कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गईं। बिजली का निज़ाम ठप हो गया और 50,000 घर बिजली से महरूम हो गए। न्यूयॉर्क के जुनूब में 30 इंच से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी थी, जबकि दीगर रियासतों में भी यही सूरत हाल है। शहरियों को बिला ज़रूरत घर से ना निकलने की हिदायत की गई है। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। News are precise and effective.